आज हम बनाएंगे सरप्राइज डेजर्ट, जो कि दिखने में तो है ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा एक पौधे की तरह लग रहा है ना, और बनाना बहुत ज्यादा आसान है। इसे बड़े के बच्चे भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और आप बना करके किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और ये रेसिपी इसके पहले शायद आपने नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी, तो इसको बनाइए और घर में इंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है क्ले का पॉट, आप किसी मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं, इस तरीके का जो छोटा पॉट आता है उसे ले लीजिए। और उसके अंदर हम डालेंगे दूध की फ्रेश मलाई, आप चाहे तो व्हिप क्रीम का भी यूज कर सकते हैं या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। घर का जो दूध का मलाई होता है फ्रेश, उसमें थोड़ा सा चीनी पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जाम, आप कोई भी फ्रूट कट करके डाल सकते हैं, जैसे कि आम, स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है। और अब इसके बाद हम डालेंगे चॉकलेट सिरप ढेर सारा, 2 से 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे चॉकलेट सिरप। आप चॉकलेट सिरप की जगह पे डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट, यहाँ पर सिर्फ मैं काजू डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में रखिएगा ताकि खाने में मजा आएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेटेड चॉकलेट और थोड़े से जिसे मैंने कट कर लिया है चॉकलेट को, ये डार्क चॉकलेट है, आप सेम डेरी मिल्क चॉकलेट यूज कर सकते हैं। और ऊपर से फिर से हम जो मलाई है ना, दूध की मलाई जिसे मिक्स करके रखा था चीनी के पाउडर में, वो डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। और अब इसके ऊपर फाइनल लुक हमें देना है, तो ओरियो बिस्किट था उसका क्रीम निकाल लिया था बीच वाला और उसे क्रश कर लिया था, वो हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो सॉरी, ये बिल्कुल मतलब कि जैसा फ्लावर पॉट में मिट्टी भरी होती है ना, वैसा लग रहा है ना, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब इसको हम फाइनल लुक देंगे, बिल्कुल जैसा कि फ्लावर पॉट होता है छोटा सा पौधा उस तरीके का। तो यहाँ पे तुलसी जी का जो पत्ता है ना, वो ले लिया था मैंने, तोड़ लिया था। आप कोई भी फूल का जो पत्ता होता है वो लगा सकते हैं, छोटा सा फ्लावर लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सा छोटा सा क्यूट सा सरप्राइज डेजर्ट बन करके हमारा रेडी हो गया है। और इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। तो चलिए अब मैं इसे आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है, खाकर आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आप इसे बनाइए और दीजिए अपने बच्चों को, खिलाइए, खुद खाइए, और गेस्ट आएंगे उनको सरप्राइज कीजिए इसे खिला करके। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जो सरप्राइज डेजर्ट की रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।